हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू आवर चैनल स्टडी अरीना। स्टडी अरीना पर नया साल है तो मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, और आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें आपको सफलता मिले, हमारी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। फर्स्ट वीक करंट अफेयर्स होंगे ये, तो ये चार वीडियोस टोटल एक महीने में आते हैं। अगर आप एक महीने के अंदर चारों वीडियोज़ को देखते जाते हो तो आपको पूरा मंथली करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा मेरी गारंटी है, क्योंकि मैंने उसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं सबको मैं कवर करता हूँ। बाइलिंगुअल ये वीडियो होता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। और अगर आपको हमारा चैनल अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं नए साल में पहले वीक के करंट अफेयर्स। सबसे पहले देखिए, अभी भी चुनाव के रिजल्ट आ गए हैं, बांग्लादेश में ये चुनाव हुआ था, तो उसमें जो है किस पार्टी ने चुनाव जीता, तो हम सबको पता है प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, तो उनका ये तीसरा टर्म है और उनकी पार्टी का नाम है बांग्लादेश अवामी लीग। बांग्लादेश अवामी लीग ये पक्का से याद कर लेना, बांग्लादेश के ऐसे नाम ऑप्शन में आपको देखने को मिल सकता है, बांग्लादेश नेशनल पार्टी, बांग्लादेश ये लीग, तो ऐसे करके हम लोग बांग्लादेश अवामी लीग जो है ये नाम पता होना चाहिए। शेख हसीना, इनका ये तीसरा टर्म होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर अवार्ड, ये कई सारे अवार्ड अभी ये जीत चुके हैं, फुटबॉलर हैं, क्रोशिया के हैं, उप विजेता रही थी क्रोशिया की टीम। ठीक है, तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी लुका मॉड्रिक को ही मिला है। लुका मॉड्रिक को जब विश्व कप हुआ था अभी हाल ही में रशिया में, तो उनको जो है गोल्डन बॉल ऑफ द ईयर का अवार्ड भी, ऑफ द टूर्नामेंट का अवार्ड भी जो है उसमें दिया गया था। तो काफ़ी सारे इन्होंने अवार्ड जीते हैं। इसके अलावा बैलन डी'ओर का अवार्ड भी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, उसमें इनको भी लुका मॉड्रिक को ही दिया गया था। तो बाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी लुका मॉड्रिक को दिया गया। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इसमें ये पूछा गया है कि अभी अभी वेस्ट इंडीज़ में T20 वर्ल्ड कप हुआ था महिलाओं का, ठीक है, वुमेन वर्ल्ड कप हुआ था, तो इसमें ये पूछा गया है कि ICC ने एक टीम निकाली है जिसमें जो T20 टीम चुनी जाती है सारे खिलाड़ियों को मिला करके, उसका जो है कप्तान किसे चुना है उस टीम का जो ICC ने महिला टीम बनाई है, तो ये भारतीय T20 टीम की कप्तान थी हरमप्रीत कौर, उनको यही टीम का कप्तान चुना गया। इसमें देखो, एक चीज़ और पूछ सकते हैं, अभी हाल ही में ICC का जो वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड है वो स्मृति एंड मंडाना को दिया गया, तो वो भी दोनों दोनों क्वेश्चन आपको पक्का से पता होने चाहिए। तो ये हरमप्रीत कौर हैं जिनको ICC महिला T20 विश्व कप में कप्तान चुना गया। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये वाली खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और प्रधानमंत्री मोदी ने खुद ये जो है नामकरण किया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, उनके नाम पर जो यूनियन टेरिटरी है अंडमान निकोबार, तो चार ऑप्शन इसमें यूनियन टेरिटरी दे रखी हुई है, अंडमान निकोबार हमें पक्का से याद करना है, तो इसमें नाम हुआ। अब नाम भी देखने बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, ये नाम मैंने टेबल बना दिए यहाँ पर, जो रोस आइसलैंड था उसका नाम बदल करके नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइसलैंड कर दिया है, तो रोस आइसलैंड का नाम बदल करके बोस आइसलैंड कर दिया है, थोड़ा सा याद करने में आसानी होगी। उसके बाद में नील जो आइसलैंड था, नील आइसलैंड का नाम बदल करके शहीद द्वीप कर दिया है, और जो हैवलॉक आइसलैंड था उसका नाम बदल करके स्वराज द्वीप कर दिया है। तो ये तीनों आइसलैंड के जो नाम हैं ये बदल दिए गए आइलैंड्स के, तो आपको यहाँ पे अच्छी तरीके से पता होना चाहिए जो आइलैंड्स के द्वीपों के नाम बदले गए हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, किसी भी एग्जाम में ये आना तय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में देखो, विच नेशन एज्यूम्स द चार्ज एज अ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ द UN सिक्योरिटी काउंसिल। हम सबको पता है कि UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं, ठीक है, जो टाइम टू टाइम कुछ समय के बाद में चेंज होते रहते हैं। तो 1 जनवरी को 5 नए अस्थायी सदस्य ने, ठीक है, प्रभार संभाला है। तो इस ऑप्शन में से पूछा गया है कौन सी कंट्री है, तो इसमें आंसर है साउथ अफ्रीका, और उन पांचों के नाम आपको पक्का से पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये पांचों कंट्रीज हैं, देखो ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लो, दो तीन बार पढ़ना याद हो जाएगा, बेल्जियम, डोमिनिशियन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका, ये पांच कंट्रीज हैं। पहले से 5 कंट्री अस्थायी सदस्य में हैं, उनके अलावा ये अभी अभी रिसेंटली ऐड की गई हैं 5 कंट्रीज, बेल्जियम, डोमिनिशियन रिपब्लिक, जर्मनी, इंडोनेशिया एंड साउथ अफ्रीका, जिनको UN की जो सिक्योरिटी काउंसिल होती है उसमें अस्थायी पद का पद जो है ग्रहण किया है। आगे देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन साइंस कांग्रेस किस शहर में आयोजित की गई। इंडियन साइंस कांग्रेस जब भी आती है तो उसके साथ में ये कौन सी साइंस कांग्रेस है, क्योंकि बहुत पुराने टाइम से ये चली आ रही है, ठीक है, तो ये 106वीं थी, 106 थी, ये भी पता होना चाहिए, और इस बार ये पंजाब के जालंधर में इसका आयोजन किया गया, ठीक है, तो साइंस कांग्रेस का आयोजन पंजाब के जालंधर में किया गया। आगे बढ़ते हैं। ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट का नाम, ठीक है, तो ब्राज़ील के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है जैर बोलसोनारो, ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा ट्रिक भी इसमें कर सकते हो, जय बोलो, देखो थोड़ा सा साउंड देखो मिल रहा है, ये जय बोलो टाइप का लग रहा है, तो ऑप्शन में अगर आएगा तो जय और बोलो ऐसा करके नाम है, तो आप इजीली ऑप्शंस के थ्रू वहाँ पे कर सकते हो।
एक एक नज़र पड़ जानी चाहिए। जब भी कोई नाम आते हैं, कोई नई अपॉइंटमेंट होती है, तो उसको जब जितना बार आप देखोगे उतना ज़्यादा आपके दिमाग में बैठेगा, इसमें रटना कुछ नहीं होता है। तो ये नाम याद रखना है कि हाँ, ब्राज़ील के नए प्रेसिडेंट ये चुने गए हैं। आगे बात करते हैं, किस सिटी में इंडियन फार्मा और इंडियन मेडिकल डिवाइस 2019 का जो कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जाएगा, ठीक है? तो ये मेडिकल और इंडियन फार्मा को लेकर के ये जो है सम्मेलन है, और ये सम्मेलन होगा कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में, इसका आयोजन होगा। आगे बढ़ते हैं, ओपीईसी जो कि ऑर्गेनाइजेशन होती है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट कंट्रीज़ की, जिसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, तो उससे सदस्यता छोड़ने का निर्णय लिया है किस कंट्री ने? तो ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ, डिसीजन तब ले लिया गया था और 1 जनवरी से की सदस्यता छोड़ दी है। किसने छोड़ी है? तो कतार ने ये सदस्यता ओपेक की छोड़ दी है, ठीक है? तो कतार ने छोड़ दी है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना कितने मार्क तक पहुंच गई? तो देखो, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस साल 2018 में 8 करोड़ का ये लक्ष्य रखा गया था, और ये पूछ रहा है कि आंकड़ों के मुताबिक कितनी कंप्लीट हो गई है। तो 6 करोड़ जो है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत ये जो है आंकड़े कंप्लीट हो गए हैं, तो 6 करोड़ अभी रिसेंटली ये पूरा हो गया है, ये भारत सरकार ने जानकारी दी। आगे बात करते हैं कि किसने हाल ही में, किस राज्य की सरकार ने सरकारी स्कूलों और तकनीकी संस्थानों में छात्रों के लिए स्मार्टफोन वितरण करने की योजना बनाई है? अब देखो, स्मार्टफोन कई सारे स्टेट्स दे चुके हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़न ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर देखो, ये पूछा गया है कि तकनीकी संस्थानों और स्कूलों के लिए दिया गया है, ठीक है? तो ये इसका आंसर पंजाब हो जाएगा, ठीक है? और अभी हाल ही में इसका तो आंसर पंजाब हो जाएगा, हाल ही में किसने अपने किसानों के लिए ये योजना बनाई थी जिसमें वो फ्री मोबाइल फ़ोन्स बांटेंगे, ठीक है? तो वो उड़ीसा था। तो दोनों में कन्फ्यूज़न होना चाहिए। अगर छात्रों को पूछा जा रहा है टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स में और गवर्नमेंट स्कूल में, तो पंजाब है, और किसानों को अगर मोबाइल फ़ोन देने की बात है तो वह है उड़ीसा, ठीक है? आगे बात करते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में एक कमेटी बनाई है किस सेक्टर को रिवाइव करने के लिए, मतलब किस सेक्टर को और अच्छा वो काम करे, उससे रिलेटेड ये कमेटी है, और इसको जो लीड करेंगे वो यूके सिन्हा होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है ये, यूके सिन्हा ये लीड करेंगे कमेटी को। तो किस सेक्टर के लिए है, किस सेक्टर के रिवाइवल के लिए है? तो ये है एमएसएमई के लिए, ठीक है? एमएसएमई हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता है हमारे उद्योग इंडस्ट्री के लिए भी, तो उसके रिवाइवल के लिए कमेटी भारत सरकार की तरफ से बनाई गई है, भारतीय रिजर्व बैंक ने बनाई है, जो अध्यक्षता जिसकी यूके सिन्हा करेंगे, ठीक है? आगे बात करते हैं, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की एनजीटी ने अभी हाल ही में किस स्टेट पर फाइन लगाया है, क्योंकि वो इलीगल माइनिंग जो थी, ठीक है ना, अवैध खनन जो था उसको रोकने में ये असफल रहे, उसके लिए। तो ये लगाया गया है मेघालय पर, मेघालय पर 100 करोड़ का जुर्माना एनजीटी ने, यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने लगाया है। आगे बढ़ते हैं, देखो भाई, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्कीम है, कृषि कृषक बंधु स्कीम, कृषि कृषक बंधु स्कीम, ये किस राज्य ने लागू की है? तो ये जो है वेस्ट बंगाल की सरकार ने इसको लागू किया है। देखो, वेस्ट बंगाल की सरकार जो थी उसने जो है कन्याश्री और रूपाश्री योजना भी लागू की थी, तो जो कन्याश्री योजना थी उसको अवार्ड भी दिया गया था, ठीक है? और ये यूएन की तरफ से अवार्ड भी मिला है, तो वो दोनों भी बहुत पूछी जाती हैं, स्टैटिक में पूछ लेते हैं, और यहाँ पर ये पूछा जा रहा है कृषि कृषक बंधु। अच्छा, इसकी खास बात क्या है, इसमें क्या है? देखो, यहाँ पर कोई भी अगर किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसके परिवार को 2 लाख रुपये मुआवजे के तौर पर दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। और इसके अलावा अगर सिंगल जो क्रॉप होती है, अगर आप सिंगल फसल 1 एकड़ मतलब लैंड में, अगर आप भूमि में जो है उगा रहे हैं, तो सरकार की तरफ से 2500 रुपये साल में 2 बार किसानों को दिए जाएंगे। तो ये थोड़ा सा था कि आपको याद होने में आसानी रहे, अगर डीपली कुछ पूछ लेते हैं तो। स्टेट नाम बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना, तो ये है वेस्ट बंगाल, ठीक है? आगे देखते हैं, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। तो इस फर्स्ट वीक में नया साल था, तो बहुत सारी अपॉइंटमेंट हुई है, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? इसमें यह पूछा जा रहा है कि ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन, देखो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो होती है भारत में, जो सैन्य सामान होता है, जो हथियार होते हैं, उनको बनाने का काम करती है, ठीक है ना? तो इसमें कौन है, तो कौन अध्यक्ष बन गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, तो ये है सौरभ कुमार। सौरभ कुमार के अलावा इसमें आज इस हफ्ते में बहुत अच्छी अपॉइंटमेंट हुई जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नाम को 2-3 बार पढ़ना याद हो जाएगा। देखो, LIC के एक्टिंग चेयरमैन बना दिए गए हेमंत भार्गवा, ठीक है? और एक्सिस बैंक के MD और CEO दोनों का पद मिला है अमिताभ चौधरी को, ठीक है, अमिताभ चौधरी को। इसके अलावा चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन, इसके जो हेड होंगे वो होंगे सुधीर भार्गवा, ये काफ़ी नाम चल रहा था, ठीक है, सुधीर भार्गव ये रहेंगे। तेलंगाना हाई कोर्ट के प्रथम जज होंगे TBN राधाकृष्णन, तो ये भी आप
अच्छे से पकड़ लेना, याद कर लेना। और फिर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो CCI के नाम से जाना जाता है, उसके जो सेक्रेटरी बनाए गए हैं वो हैं पीके सिंह। इनको पीके सिन्हा से कन्फ्यूज मत करना, वो हमारे कैबिनेट सेक्रेटरी हैं, वो हैं पीके सिन्हा, ये हैं पीके सिंह। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी बनाए गए हैं। इसके अलावा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के, ठीक है ना, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के चेयरमैन बनाए गए हैं AK सीकरी। और रेलवे बोर्ड के चेयरमैन, ये बिल्कुल अभी रिसेंटली चेंज हुए हैं, इनका नाम है VK यादव। तो ये आपको पक्का से याद होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर अपॉइंटमेंट हुई हैं। मेक श्योर कि आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, कहीं कॉपी में लिख लें ताकि आपको ये याद हो जाए। उसके बाद में अभी हाल ही में किस कंट्री ने ऑफिशियली यूनेस्को को छोड़ दिया है? देखो, यूनेस्को को बायस का आरोप लगा करके दो कंट्रीज ने छोड़ा है। इसमें ऑप्शन में इसराइल और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो आंसर हो जाएगा बोथ A और B, दोनों ही कंट्री ने यूनेस्को को छोड़ दिया है। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो पेरिस में है, ठीक है, और ये कल्चरल हेरिटेज और बाकी सब चीज़ों के लिए काम करती है। तो इस तरीके से इस हफ्ते के जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे मैंने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। ऐसे ही हर हफ्ते मैं वीडियोस खुद लेकर के आता हूँ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और ये वीडियो सिर्फ 10-12 मिनट की होती है, तो आप मेक श्योर कि इसको जरूर फॉलो करें ताकि आने वाले एग्जाम में आपको जो कॉन्फिडेंस है करंट अफेयर्स का वो गेन हो सके और आप अच्छा स्कोर कर सके। इसके अलावा स्टडी अरेना अलग अलग प्लेटफॉर्म पर भी अवेलेबल है, इंस्टाग्राम में हमसे जरूर जुड़ें, बहुत ही अच्छा कंटेंट वहाँ पर अवेलेबल है। हमारी इंग्लिश की सीरीज स्पेशली फॉर RO जो हाई कोर्ट आने वाला है और SSC के लिए बेस्ड होगी, बिल्कुल बेसिक लेवल से मैं पढ़ाऊंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंप्यूटर का क्रैश कोर्स हम लेकर के आने वाले हैं, तो उसको भी जरूर फॉलो कीजिए, कुछ ही दिनों में चालू हो जाएगा। और उसमें जो भी वीडियोस होंगे अगर आप देख के चले जाते हो किसी भी एग्जाम के लिए स्टेट में, तो बहुत बहुत लाभकारी होगा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी जॉब की अलर्ट अगर आपको चाहिए तो हम डेली बेसिस पर न्यूज़ भी देते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी बहुत बहुत मदद होने वाली है किसी भी एग्जाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स के साथ में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।